नैब ने एक और लीगी रहनुमा के खिलाफ तहकीकात का दायरा कर वसीह कर दिया है। नैब ने नासिर इकबाल बोसाल की बतौर MNA तरक्याती कामों की फहरिस्त मुरतब करना शुरू कर दी है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, इस केस के हवाले से तफसीला आगाह कीजिएगा। मुस्लिम नून के एक और रुकन कौमी समिति जो है नासिर इकबाल बोसाल, उनके खिलाफ तहकीकात का दायरा कर वसीह कर दिया है। चेयरमैन नैब जस्टिस साहब जावेद इकबाल की जेर सदारत, कुछ दिनों पहले जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ था उसमें ये फैसला किया गया था कि इनके खिलाफ बकायदा जो शिकायत आई है उनको इंक्वायरी में तब्दील कर दिया जाए। जराए का कहना ये है कि इनके दौर में जब जो साबिक दौर था जिसमें वो MNA थे और उन्होंने अपने इलाके में तरक्याती काम करवाए थे, जिसमें गुजरात आलम मोटरवे है, बेकी तक गोजरा सड़क की तामीर थी, पिंड फकीरा चक्या पुल की तामीर थी, इस हवाले से जो तफसीलात इकट्ठी की गई नैब में शिकायत ये आई थी कि इन्होंने जो है मटीरियल भी जो है नाकिस इस्तेमाल किया गया था, जबकि किक बैक की बहुत ज्यादा शिकायत थी, जबकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जो काम हुए थे उनके हल्के में उसमें भी जो है करप्शन की और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की शिकायत जो है वो नैब को मौसूल हुई थी, जिसमें बकायदा तहकीकार के दायरेकार को वसी कर दिया और मुतलका जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो तरक्याती कामों में इन्वॉल्व थे उनसे रिकॉर्ड तलब किया गया कि उसमें किन किन ठेकेदारों ने काम किया था, किस तरह कितना मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन से मसूबे मजीद शुरू किए गए थे। इस हवाले से जो नैब ने मुतलका पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी लेटर लिख दिया, जबकि जो सड़क पुल बनाया गया था उसकी भी तफसीलात तलब कर ली गई है ताकि देखा जा सके कि कितनी किक बैक ली गई है और मटीरियल नाकिस होने की वजह से सरकारी खजाने को कितना नुकसान पहुंचा। इस हवाले से जराए का कहना यह है कि जल्द तफसीलात मिलने के बाद तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, लीगी रहनुमा नैब के शिकंजे में है। नैब ने एक और लीगी रहनुमा के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका।